सो गाइस ये देखो मिल चुकी है येरी। इतनी दूर क्यों रहती हो? सो गाइस ये देखो अबकी बार मैं हेलमेट लेकर के आया हूँ। पिछली बार हेलमेट नहीं था तो चलान कट गया था। उससे कह रही थी कि बुलेट चलाऊंगी मैं। चलो भाई देखते ही बुलेट चला पाएगी या नहीं। रहन दो अभी भी एक मौका और दे रहा हूँ, मत चलाना। हेलमेट सबसे ज्यादा बड़ा लग रहा है। सो हेलो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सबका एक और न्यू व्लॉग में। सो फाइनली यार गाइस जैसे कि आप सब लोगों ने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा कि यार तुम्हारे भाई ने एक लड़की के साथ वीडियो बनाई थी जिसका नाम था जैस। तो गाइस यार आज अपने को जैस ने जो है ना मिलने के लिए बुलाया है, तो चलकर देखते हैं भाई क्या सीन है। एंड यार जैस ने अचानक से कैसे याद कर लिया भाई, कैसे हमें मिलने बुला लिया। जैसा कि आप लोगों ने पहले वाले व्लॉग में तो देखा ही था कि यार हमारी मुलाकात भी हुई थी उससे, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत भी हो चुकी थी हमारी, एंड हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जान भी चुके थे। तो फाइनली गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जैस के पास, एंड चलते हैं सीधे भी उसके पास। बाकी का यार आप लोग देख सकते हो ये रहा सीन है ब्रिज के नीचे से अभी हम लोग जाते हुए। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल में कर लेना, क्योंकि आप लोगों को यार ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही यार एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। आज मैं जा रहा हूँ यार बिल्कुल अकेले। जी हाँ बिल्कुल गाइस यार आज मैं बिल्कुल अकेले जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं जा रहा है। ठीक है तो अभी चलते हैं हम लोग अपना सीधे जैस के पास, एंड उसके पास पहुँचते हैं और फिर देखते हैं भाई क्या सीन है, क्यों बुलाया उसने हमें, एंड क्या बात है। तो गाइस यार ये चेक करो अभी जो है ना मैं नेताजी सुभाष पैलेस पहुंच चुका हूँ, लेकिन यार अभी देखो मेरे को कहाँ पे जाना है। अभी भी यार 11 किलोमीटर रह रहा है, यानी कि यार अभी भी आधा घंटा और लगेगा पहुंचने में। तो चलते हैं भाई अपना लोकेशन के जरिए सीधे सीधे। सो गाइस यार ये चेक करो यार पिछले मतलब यार 15 मिनट से मैं इसी जाम में फंसा हुआ हूँ, और अभी भी यार ये देखो 9 मिनट दिखा रहा है, यानी कि 2.7 किलोमीटर और रह गया है। तो कोई बात नहीं यार, मैंने अभी बात कर ली थी जैसे कॉल पर कि वो निकल चुकी है अपने घर से, तो चलो भाई अब वो पहुँचने वाली है वहाँ पर लोकेशन पर। बाकी का हम भी देखो 9 मिनट में पहुँच जाएंगे लगभग, तो चलते हैं अभी सीधे। बाकी का यार ये जाम चेक करो यार, जाम देखो भाई कितना लंबा जाम है, और ये जाम पीछे तक है भाई, पीछे तक बहुत पीछे तक गया हुआ ये जाम। तो अभी यार इसका रेड लाइट का वेट करते हैं। ये वाली रेड लाइट जो है ना बहुत ही लंबी रेड लाइट है भाई, लगभग 1 मिनट प्लस, हाँ 1 मिनट प्लस यह रेड लाइट होगी। तो अब देखते हैं भाई ये कब ग्रीन होगी और कब हम लोग निकलेंगे और कब हम लोग पहुँचेंगे, कब होगी ग्रीन समझ में नहीं आ रहा। तो फटाफट से जाओ भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अपने भाई के 3000 फॉलोवर गाइस इंस्टाग्राम पर जल्दी से करवा दो। बस 3000 होने में ओनली 50 रह रहे हैं, तो भाई आई होप आप लोग करवा दोगे कंप्लीट। तो इंस्टाग्राम पे भी यार ज़रूर फॉलो कर लेना भाई साहब। कितना दूर रहती है यार ये देख रहे हो यार, इतनी देर हो गई अभी तक हम लोग पहुँच के नहीं रहे भाई, क्यों यार इतनी दूर क्यों रहती हो गाइस? ये बहुत ही ज़्यादा दूर भाई, आते आते में हालत ख़राब हो गई, मजाक से हट के सीरियसली बता रहा हूँ, आते आते में हालत ख़राब हो गई भाई। नहीं तो यार पिछले 2 दिन से जो है ना मौसम बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी आज पता नहीं क्या हो गया मौसम को भाई, धूप भी निकल आई और आज थोड़ी गर्माहट सी भी हो गई है। तो गाइस यार फाइनली जैस ने जो लोकेशन दी थी यार मैं उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। तो भाई यार मौसम भी देखो कितना प्यारा हो चुका है, आप देखते हैं यार एक आध बार राउंड और घुमा लेते हैं। वो बता तो यही लोकेशन दी है, और मैप में जब मैंने लाइव लोकेशन मांगी जब भी यहीं पर आ रहा है, लेकिन भाई दिखाई नहीं दे रही है कहाँ पर बताओ। अब मौसम भी अच्छा हो गया, अब तो मिल जाओ, अभी तो धूप थी अब तक तो थी नहीं, अब मौसम भी अच्छा हो गया यार। चलो यार एक राउंड और मार लेते हैं भाई, क्या पता दिख जाए, अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो भाई वापस फिर घर जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई 3-4 राउंड मैंने यहाँ के मार लिए लेकिन वो दिख रही नहीं है। 3-4 राउंड मैंने गाइस पूरे घुमा लिए गाड़ी के यहाँ से, लेकिन जैस नहीं मिल रही। अगर इस राउंड में भी नहीं मिली तो भाई वापस घर चल देंगे, ठीक है चलो भाई। ओ लो गाइस वो खड़ी हुई है, वो देखो वो फाइनली वो खड़ी हुई, तो भाई वो देखो इंतज़ार कर रही है खड़ी हुई। चलो भाई लेते हैं जैस के पास गाड़ी से, देखो ये रही, तो वो चेक करो गाइस अपना व्लॉग शूट कर रही है। चलो भाई गाड़ी लगाते हैं यहाँ पर साइड में अब। अरे मैं ढूंढ रहा था आपको, आप मिल के नहीं दे रही हो, 3 राउंड घूम लिए मैंने यहाँ के पूरे 3-4 राउंड, लेकिन मिलने नहीं हो आप, बताओ यहाँ खड़ी हुई हो क्या? लोकेशन पे भी तो देखा मैंने, जब तो कह रहा हूँ 3 राउंड घुमा लिए यहाँ के जब मिल ली हो। सो गाइस ये देखो मिल चुकी है येरी, इतनी दूर क्यों रहती हो बताओ? चलो कोई बात नहीं, ये देखो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा हेलमेट लेकर के आया था पिछली बार, पता है ना क्या सीन हुआ था? हाँ सिक्योरिटी। सो गाइस ये देखो अब की बार मैं हेलमेट लेकर के आया हूँ, पिछली बार हेलमेट नहीं था तो चालान कट गया था। चलो तो हेलमेट लगा लो पहले जल्दी से, पहले अब बगैर हेलमेट के नहीं बिठाऊंगा तुम्हें गाड़ी पे, पहले हेलमेट लगाओ फिर बैठोगी अब गाड़ी पे तुम। चलो तो गाइस ये देखो ये रहा मेरा हेलमेट, तो इसमें तो मैं मांड लगा दूंगा, गाड़ी खड़ी करता हूँ, वो भाई गिरने से बच गया भी हेलमेट। तो चलो गाइस पार्किंग में चलते हैं फटाफट से और अपनी गाड़ी बाइक खड़ी करते हैं, एंड फिर चलते हैं कुछ बैठते हैं बातचीत करेंगे। सो आप लोग देखते रहो क्या क्या होता है व्लॉग में, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या मक्खी? हाँ।
अच्छा मक्खी वाली शेप। अबकी बार देख रहे हो भाई हेलमेट साथ लेकर के आया हूँ, क्योंकि पिछली बार शाप इसके पीछे बैठी हुई थी तो भाई चलान कट गया था। एंड इधर तो नहीं है यार, पार्किंग आगे की तरफ होगी भाई। चलो पार्किंग ढूंढते पहले। हिसाब ये रही पार्किंग, तो यहाँ पार्किंग में अभी अपनी जो है ना गाड़ी पहले खड़ी करेंगे। लो लो लो, इनसे हेलमेट ही नहीं उतरता भाई। ये लो, तमिल लैंग्वेज बोल रहे थे भाई। यार ये चेक करो यार, ये कुछ भी खाने के लिए मना कर रही है, पता नहीं क्यों। मैं कह रहा हूँ कुछ तो ले लो। अभी मैं एक ही कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ, ये भी जबरदस्ती, लेकिन ये भी मना कर रही है पीने को। अच्छा तो भाई यूँ कह रही है कि तुम भी ले रहे, तो यार क्या फायदा, दोनों रोज़ रोज़ हो जाते हैं कि दोनों कुछ नहीं खाएंगे। सो गाइस यार अभी देखो मैं ये पानी की बोतल लेने गया हुआ था, बट इतने में जब मैं आया ना पानी की बोतल लेकर, तो ये जो ये देखो ये जा रही है जेस, तो ये मुझसे कह रही थी कि अपनी बुलेट की चाबी दिखाओ। अब ये देखो मैंने बुलेट की चाबी दे दी, तो अब मुझसे कह रही थी कि बुलेट चलाऊंगी मैं। चलो भाई देखते ही बुलेट चला पाएगी या नहीं। मुझसे कह रही है मैंने बहुत सारी बाइकें जो है ना पहले भी चला रखी है, तो बुलेट मेरे लिए बहुत ईजी है। तो भाई मैंने बताया, मैंने कहा रहन दो, बुलेट भारी गाड़ी है, रिस्क मत लो चलाने का। लेकिन नहीं भाई, इनको तो बुलेट जो है ना चलानी चलानी है। तो देखते हैं भाई, अगर बुलेट पे तुम गिर गई तो फिर मुझसे मत किया ना कि चलो हॉस्पिटल लेकर ये है वो है। तो फिर रहन दो, मत चलाओ, बुलेट लाओ, चाबी दे दो, चला लोगी बुलेट। तो भाई कह रही है बुलेट चलाने के लिए, तो चलते हैं इनको बुलेट के पास लेकर के और देखते हैं भाई बुलेट चलाती है या नहीं चला पाती। सो गाइस यार ये देखो बुलेट ये खड़ी हुई है, तो इससे पूछते हैं बुलेट यहाँ से पीछे कर लेगी। अब देखो ये बुलेट यहाँ खड़ी हुई है, इसे पीछे करके दिखाओ बुलेट को। ये रही भाई देखो, ये रही बुलेट चलाने के लिए कह रही है, रहन दो अभी भी एक मौका और दे रहा हूँ, मत चलाना। चलाओगी? चलो तो पीछे करके दिखाओ इसे, या मैं करूँ पीछे? लाऊंगा ये तो चाबी मैं करता हूँ। अब जो है ना देखो बुलेट चलाने के लिए आ रही है, पहले फ़ोन तो रख लो, अभी तो चलाओगी बुलेट या ऐसे चलाओगी? भाई साहब बुलेट पे बैठ गई, क्या क्या लगता है गाइस ये बुलेट चला लेगी या नहीं चला पाएगी? सब सब बताओ भाई जल्दी से कमेंट में। क्या हुआ, आप तो बुलेट चला रही थी? वही तो बड़ी भारी है। हाँ। नहीं आप तो बुलेट चला रही थी, आप पाछे चला रखी है आपने, बुलेट भी चलाओ अब। उठा के दिखाओ। अच्छा स्टार्ट करना ज़रा स्टैंड ऊपर करके। तो गाइस क्या हुआ, जेस को बुलेट चलाने के लिए कह रही थी और देखो बुलेट पे बैठ गई, तो कह रही है बहुत भारी है। क्या हुआ, चलाओ ना बुलेट। चलूंगी यार। चलूंगी। क्या करना है फिर बताओ? तुम चला लो। मैं चला लूँ? हाँ। तो फिर चाबी क्यों मांगी तुमने मेरे से बुलेट की? वो तो ऐसे ही ट्राई करने के लिए, चेक करने के लिए। अच्छा तो मैं चाबी दूंगा या नहीं? हाँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चाबी दे दी, देखो मैंने तुम्हें दे दी ना। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, इसको बुलेट चलाना सिखाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है? बुलेट चलाने के लिए कह रही भाई मैं बुलेट चला लूंगी, ऐसी बात नहीं है, मैंने अपाची भी चलाई है। मैंने कहा ठीक है लो फिर बुलेट की चाबी चलाओ। मैंने बोला था वो तो सिर्फ एक ऐसी मांगी, मैंने ऐसी मांगी थी। हाँ। तो चलो भाई कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना जेस को बहुत जल्दी बुलेट भी चलाना सिखाएंगे, ठीक है? सो गाइस अब निकल रहे हैं यहाँ से, अब जेस को जो है घर पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो रुको, इनसे तो भाई हेलमेट ही नहीं खुलता भाई, ये देखो हेलमेट भी खोलना पड़ रहा है मुझे। लो पहले पानी की बोतल ये पकड़ाओ, हेलमेट लगा लो पहले, ठीक है? मक्खी हेलमेट, नाम भी देखो अच्छा दिया है, मक्खी हेलमेट ना, नाम अच्छा था यार। ये देखो भाई हेलमेट में कितनी प्यारी लग रही है, जरा देखना इधर देखना, ये देखो हेलमेट में, हेलमेट सबसे ज़्यादा बड़ा लग रहा है। भाई साहब जेस पीछे बैठी हुई है, भाई जेस को जो है ना अपना रास्ता भी याद नहीं है घर का। मैं पूछ रहा हूँ घर का रास्ता बताओ अपना, कह रही है मुझे खुद याद नहीं है। अब बस जगह का नाम सुन के गाइस देखो पूछ पूछ के जाना पड़ रहा है। तो गाइस यार फाइनली जेस को जो है घर पे छोड़ दिया है। तो यार जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो मुझे चेक कर रही थी, और भाई मांग भी किसकी थी, बुलेट की चाबी। भाई इम्पॉसिबल है यार बुलेट चलाना भाई, लेकिन चलो चाबी दिखाई मैंने, मुझे लगा कि चला सकती है बुलेट, क्योंकि कह रहे थे कि मैंने अपाची भी चलाई है। क्योंकि भाई यार आप लोगों को पता है अपाची भी जो है ना भारी गाड़ी है, कोई हल्की फुल्की गाड़ी नहीं है अपाची भी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जेस, ये लो यार बुलेट की चाबी, तुम बुलेट चलाओ कोई बात नहीं। लेकिन बस जब लास्ट में जाकर बैठी ना भाई, जब उठाने की कोशिश करी, उसने स्टैंड जब लगा हुआ था पार्किंग उस पे थी मोड़ पे, जब स्टैंड लगा हुआ था तो भाई उठी नहीं गाड़ी, क्योंकि कहती है फिर आगर लो तुम ही चलाओ, अब मैं नहीं चला रही गाड़ी। अरे भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो भाई, और कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा बताना भाई व्लॉग कैसे लगते हैं आपको अपने भाई के। तो अभी सीधे चलते हैं भाई घर के लिए, तो व्लॉग को इसको यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो जब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, सी यू।